Hello students, welcome to RCH online class, class 9. We are continuing to discuss chapter 2nd. Today we are discuss exercise 2.5. Question number 9 and question number 10. Dono discuss karte one by one. Question number 9 ka kehta verify aapko karna hai. LHS aapke paas given hai aur RHS. Koi bhi cheez verify kab hoti hai? Jab LHS equal to RHS. Ab dekhiye is case mein hamare paas LHS given hai aur RHS. Hum kya karenge? RHS part ko लेंगे और उसको सॉल्व करके LHS सॉल्व कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन RHS पार्ट को लेना आसान है इसमें, तो इसमें RHS पार्ट को लेंगे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये खुद ही आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है आपके पास। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूले को आपको वेरीफाई करना है हमें फॉर्मूले की, तो RHS पार्ट हमने लिए। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सिंपल। और मल्टीप्लाई करने का सिंपल रूल क्या होता है, फर्स्ट आप x उठाइए और इससे मल्टीप्लाई करना है एज इट इज, राइट कर दीजिए इसको, कभी भी आपसे गलती नहीं हो सकती इसको इस वाले मेथड से। सेकेंड डिजिट हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस वन, इससे मल्टीप्लाई करना है एज इट इज, राइट कर दीजिए सेकेंड पार्ट, सबसे इजी वे मल्टीप्लाई। अब जस्ट आपको ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। याद रहे वेरिएबल पावर्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, पावर रूल के अकॉर्डिंग। बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाती है, इसकी पावर कितनी, वन, और इसकी टू, दोनों का बेस एक्स इक्वल है, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री, इट मीन्स एक्स एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर वन और एक्स पावर वन, ये भी हमारे पास बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, ये हो जाएगा एक्स टू वाई प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। जनरली देखिए जो जो सिंगल वेरिएबल होते हैं उन पर पावर वन होती है, हम राइट करते नहीं वन को, ओके, जब रिक्वायरमेंट होती है तो वन हम राइट करके आप इजी वे में समझ सकते हो उस चीज को। अब देखिए प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स स्क्वायर, अब आप वाई एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई भी राइट कर सकते हो, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लस वाई, अब देखिए इसकी पावर वन और इसकी पावर वन, बेस दोनों का इक्वल है, पावर प्लस हो जाएगी, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, तो एक्स वाई टू प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और ये हमारे पास वेरिएबल दोनों का देखो बेस सेम है, पावर वन प्लस टू कितना हो जाएगी, थ्री। आपको पता है मल्टीप्लाई साइन के मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होते हैं, सेम साइन को जब मल्टीप्लाई कर ले चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। लेकिन अपोजिट साइन में माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। तो आपको दो लाइन याद रखनी, सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है और अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, तो मिस्टेक नहीं होती फिर उससे। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये भी कैंसिल हो, हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यू प्लस वाई, और ये कौन सा पार्ट है, LHS, ये हमारे पास LHS पार्ट। इट मीन्स हमने RHS को लिया और LHS सॉल्व कर दिया, LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स जो गिवन है हमारे पास ये वेरीफाइड हो चुका है, क्योंकि दोनों LHS RHS इक्वल आ गए, वेरी गुड, दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 इसको सॉल्व करते हैं, ये बोल रहा है फैक्टराइज 27y³ प्लस 125z। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए वेरिएबल का पावर हमारे पास 3 है, यहां भी वेरिएबल का पावर 3 है, कांस्टेंट पर पावर नहीं, तो 27 को पावर में हम कन्वर्ट करेंगे फैक्टर करके। 27 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, देखिए 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 से डिविजिबल है 9, अगेन 3 से डिविजिबल है, तो 27 को हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स पावर रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस 1, बेस इक्वल है तो पावर 1 कितनी हो जाएगी, 3, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 3 into 3 into 3 27 होता है, 27 को हमने 3/2। ऐसे 125 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 125 के प्राइम फैक्टर 5 से डिविजिबल है 25, अगेन 5 से डिविजिबल है 5,
तो 5 इंटू 5 इंटू 5 थ्री टाइम्स है, इट मीन्स 5 पावर 3 होगी। तो ये z पर भी हमारे पास ऑलरेडी पावर 3 है, तो 5z एक साथ राइट करके कॉमन पावर लगा देंगे इसकी 3। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गए हमारे पास, देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब, जैसे हमने अभी वेरीफाई किया, ये हमारे पास आइडेंटिटी x क्यूब प्लस y क्यूब किसके इक्वल होते हैं इस। तो आइडेंटिटी सबसे पहले हम राइट करेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके ऊपर होता है, एक्स प्लस वाई वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, इसको हमने राइट किया। कंपेरिजन किया, देखिए हमारे पास एल एच एस पार्ट को ये मैच हो गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें 3 वाई, एक्स की वैल्यू 3 वाई होगी हमारे पास, और जेड की वैल्यू क्या हो, वाई की वैल्यू क्या होगी 5 जेड, वाई इक्वल टू किसके हो गए 5। कंपेरिजन किया, मैच हो गया हमारे पास, जस्ट हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन जो फॉर्मूला है इसमें, आइडेंटिटी मीन्स फॉर्मूला ही होता है, इसमें पुट करना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 y क्यूब, इसमें पुट करने में प्लस y की वैल्यू क्या 5 z क्यूब इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x 3 y प्लस 5 z, x की वैल्यू क्या 3 y, ब्रैकेट के अंदर राइट करोगे तो गलती नहीं होगी आपसे, माइनस 3 y ब्रैकेट वैल्यू ऑफ y 5 प्लस y की वैल्यू क्या 5 स्क्वायर एंड ब्रैकेट 2। सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा एज इट इज 3 y, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 27 y 5 z, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा 125 z, ये तो क्वेश्चन ही बन गया, ये इक्वल होगा। अब इसको सिंपलीफाई करके आंसर दे देंगे, 3 y प्लस 5 z एज इट इज राइट किया हमने, ब्रैकेट 3 का स्क्वायर भाई 3 वाई का स्क्वायर है तो 3 वाई मल्टीप्लाई 3 वाई, 3 3 इज 9 वाई स्क्वायर, रफ में सॉल्व करके देख सकते हो आप, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 3 इंटू 5 15, माइनस का साइन है 15 वाई जेड, एंड 5 जेड मल्टीप्लाई 5 जेड क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 जेड मल्टीप्लाई 5 जेड 25 जेड स्क्वायर, दैट इज आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हम डिस्कस करते हैं, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, ये आइडेंटिटी भी हमने आपको राइट करवाई थी। आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस का 3xyz x प्लस y प्लस z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये आइडेंटिटी थोड़ी लेंदी है तो इसको आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए ये गिवन फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास एल एच एस पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन बस हमें फॉर्म कन्वर्ट करनी है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था 27 को हम राइट कर सकते हैं 3x क्यूब, तो हम इसको पहले राइट करते हैं 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, गिवन क्वेश्चन को हमने पावर के अकॉर्डिंग माइनस का क्या आता है इसमें 3 आता है, देखिए आइडेंटिटी में फिर वैल्यू ऑफ x आती है, वैल्यू ऑफ x हमारे पास 3x है, वैल्यू ऑफ y हमारे पास सिंपल y है और वैल्यू ऑफ z हमारे पास सिंपल z, हमने गिवन क्वेश्चन को LHS के अकॉर्डिंग राइट किया। अब देखिए ये फॉर्म इससे मिलती जुलती है, देखिए सिंप्लीफाई करके देखो 3x क्यूब 27x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब 3 जा 9 एक्स वाई जेड, देखिए गिवन क्वेश्चन मैच होगी, इसका मतलब जो ये मैचिंग होगी LHS से इसकी गिवन क्वेश्चन, तो ये RHS के इक्वल होना चाहिए पूरी टर्म्स, इट मीन्स इसको भी आगे एक्सपेंड कर देते RHS में, तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके वैल्यू ऑफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर 3x, वाई की वैल्यू वाई है हमारे पास जेड जेड ही है, आगे भी राइट करेंगे इसलिए
एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x और y की वैल्यू सिंपल y है और z ही है हमारे पास माइनस का एक्स वाई वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास 3x वैल्यू ऑफ y क्या है हमारे पास सिंपल y माइनस का वैल्यू ऑफ y वैल्यू ऑफ z माइनस का z लेकिन x की वैल्यू यहां पर क्या है 3x गिवन क्वेश्चन ब्रैकेट क्लोज समझ आया ना। तो गिवन क्वेश्चन को सबसे पहले आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए प्रैक्टिस में आती बेटे आप फॉर्मूला लर्न करें राइट करें फॉर्मूला जब आपको लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो ये गिवन क्वेश्चन है सबसे पहले हमने आइडेंटिटी मैच की ये आइडेंटिटी इससे मैच हो गई ये किसके इक्वल है RHS ये वाला पार्ट तो आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और यही हमारे पास आंसर होगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्वेश्चन ही बन गया 27x³ 3x³ को सब सिंप्लीफाई करेंगे y³ + z³ -3 × 9xyz देखो ये तो क्वेश्चन ही है। अब जो इक्वल में इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये एज इट इज 3x + y + z सिंप्लीफाई कर लो 3 का स्क्वायर 9 9x² + y² + z² -3xy -yz - 3xz दैट इज आंसर यही हमारे पास आंसर सिंपल। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज की अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो स्कूल में भी आकर अपनी प्रॉब्लम वीकली डिस्कस कर सकते हो टीचर्स होते हैं अवेलेबल यहाँ पर और फिर इसके बाद शायद आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू स्टार्ट हो जाएगी तो प्रॉब्लम वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हो।